हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे इस हॉलीहॉक फ्लावर के बारे में बात करूंगी। तो ये देखिए कितने सुंदर फूल इसके खिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। वैसे तो ये विंटर सीजन में लगाया जाता है, पर मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी और उन्होंने बोला था मुझे कि ये समर सीज़न का फ्लावर है। उस टाइम मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था और छोटी सी सीडलिंग थी तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का प्लांट है। मुझे काफ़ी दिन लग गए इसका नाम खोजने में और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। जैसे कि इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं, वाइट, येलो, पिंक, रेड और ये डार्क पिंक है जो कलर। इसमें तीन फ्लावर खिले हुए थे, ये देखिए एक मुरझा गया इधर और बहुत सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं। ये ऐसे ही खिलता जाता है, ऐसे स्टॉक इसकी निकलती जाती है और इसमें फूल खिलते जाते हैं बहुत सारे और लगभग एक फूल लगभग 4-5 दिन रहता है। बहुत अच्छा फ्लावर है इसका। तो इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग कंपोस्ट। अगर ऐसे तीनों को मिलाकर इसकी मिट्टी बनाएंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे प्लांट। और वाटरिंग की बात करें तो इसको पानी इसको अच्छा चाहिए। इसको थोड़ी सी भी पानी की कमी हो जाती है तो इसके प्लांट पूरे मुरझा जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं। तो पानी इसको अच्छा चाहिए। आप इसको दोनों टाइम वाटरिंग करें तो बहुत अच्छा प्लांट चलते हैं। और मिट्टी इसकी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, एकदम गीली सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी। गमले की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए तो इनकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। नहीं तो फिर पत्ते ऐसे पूरे मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं पत्ते, अगर थोड़ी सी पानी कमी हो जाती है तो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और विंटर में लगभग अगस्त सितंबर में इसकी सीडलिंग कर देते हैं तो जनवरी से, ये दिसंबर जनवरी से फ्लावरिंग करने लगते हैं। बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं इनके विंटर सीजन में। पर मैं तो इसको पूरे समर इसका वेट करती रही कि मेरे गार्डन में इसके फ्लावर आएंगे, तो समर में ये खिला नहीं और अभी जब से रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है तब से इसमें फ्लावर आने भी स्टार्ट हुए हैं। और देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हैं। और सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी है, लेकिन विंटर की सनलाइट इसके लिए बहुत अच्छी है। अभी तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद फिर से मौसम वैसा ही गर्मी जैसा हो गया है, जैसा कि जून में मौसम था। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी बर्न हो रही हैं। देखिए अगर ऐसी गर्मियाँ पड़ रही हैं आपके यहाँ भी तो आप इसको थोड़ा सुबह शाम की धूप बस दीजिए, दोपहर की धूप में इसको बचा के रखिए तो प्लांट हेल्दी रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र इसको आप हर 15-20 दिन में थोड़ा सा कंपोस्ट दे दीजिए। और कंपोस्ट में आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं तो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ये। और नहीं भी देते हैं तब भी ये, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को, तब भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो मेरे यहाँ तो मैंने शुरू में जब इसकी मिट्टी बनाई थी तभी इसको फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद से मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, फिर भी इसकी ब्लूमिंग बहुत अच्छी हो रही है। देखिए इसमें बर्ड्स भी बहुत सारी आई हुई हैं और फ्लावर भी अच्छे खिल रहे हैं। तो ऐसे ही इसकी केयर मैं करती हूँ अपने प्लांट की। और देखिए नीचे से कितना लंबा हो गया प्लांट, लगभग 1.5-2 फुट इसकी हाइट हो जाती है। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसको बड़े पॉट में लगाइए, जैसे कि 10-12 इंच के पॉट में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत दिनों तक ये प्लांट चल जाता है। और मैंने तो लगभग 8-9 इंच के पॉट में लगाया है। ये देखिए मेरा पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से प्लांट हेल्दी है और अच्छा भी है। तो बस फ्रेंड्स, आज इसके बारे में यही बात करनी थी आप लोगों से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।